लड़े सरकार। तू बलि चढ़ाना चाहती थी ना, बलि चढ़ेगी, लेकिन तेरी बलि चढ़ेगी। क्या नाम है उसका, उस फिरंगी का? अल्स। सुना है वो लक्ष्मी बाई से रात बेरात अकेले में मिलने आता है। हम आपको ये चमकी देखा। ये लड़ाई सरकार मां दुर्गा को बलि चढ़ाना चाहती थी ना, देवा के लिए आप बीच में मत आइए, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हम समझते हैं बातें गुरु, परंतु हम आपको इसकी हत्या नहीं करने देंगे। समझने की चेष्टा कीजिए बातें गुरु, हम जानते हैं कि ये एक दलित मानसिकता वाली स्त्री है, परंतु है तो ये एक राज्य की राज्य अधिकारी है। और ओरछा की प्रजा बिना अपने नरेश के स्वयं को अनाथ महसूस करेगी। नहीं भाई साहब, ओरछा की प्रजा को इस जैसी घमंडी और अहंकारी रानी से मुक्ति दिलानी है। और वैसे भी वैसे ओरछा की रानी अब आप है, ये लड़ाई सरकार नहीं। अरे वाह रे लक्ष्मी बाई, तेरा खुद का आदेश अपनों पे नहीं चलता है, पूरे राज्य का नियंत्रण कैसे करेगी तू? देखा भाई साहब, ये आपकी विनम्रता का उपहास उड़ा रही है और आप है कि अहंकार, अहंकार मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। और ऐसे लोग सदैव भ्रम में जीते हैं ताकत, इसे मारकर हमें कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। ओरछा की प्रजा हमारे बारे में क्या सोचेगी? और वैसे भी ये दूध फिरंगी यही चाहते हैं कि हम आपस में ही लड़ मर कटे, परंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे पाते गुरु। ये हमारी बात समझे ना समझे, परंतु हमें विश्वास है कि ऐसी स्त्री की शक्ति यदि हमारे साथ मिल जाए तो एकजुट होकर हम इन धूर्त फिरंगियों को अपने हिंदुस्तान से हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं। भ्रम में जी रही है तू, हम तेरा साथ देंगे। अरे साथ देने से पहले अपनी जान देना पसंद करेंगे हम। परंतु तुम जैसे विश्वासघाती छल कपटी निवल कर वंश के साथ कभी नहीं। तेरा तो चरित्रहीन पति। तो ठीक है, लक्ष्मी बाई तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देती है। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आता है लड़ाई सरकार। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि हम अपनी तलवार अपनों पर नहीं उठाते। जाओ, चली जाओ। चली जाओ उससे पहले हम भूल जाएं कि हम
साहब झांसी से आया है। महाराणी साहब झांसी अंग्रेज। झांसी क्या हुआ हमारी झांसी को? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। हे देवा, और आपके बाबा और आयशा को बंदी बना लिया है। सरकार रुक जाइए ताते गुरु, आपको हमारी सौगंध। ताते गुरु अपनी सौगंध देकर निधातिया गुरु को जकड़ दिया। चली जाओ यहाँ से लड़ाई सरकार, तुम्हारी मूर्खता के कारण आज हमारा राज्य संकट पे। हम अपनी झांसी को तो बचा लेंगे, परंतु एक बात याद रखना, इन अंग्रेजों का अगला बार तुम्हारी ओर छापा नहीं होगा। अपनी ओर छा को बचाने के लिए यदि हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें याद अवश्य कर लेना। अपनी धरती माँ की सेवा के लिए सदैव तत्पर मिलेंगे। चली जाओ उससे पहले कि अंग्रेज तुम्हारे ओर छपर कब्जा कर ले। जाओ खान, आप शेष सेना को लेकर झांसी शीघ्र ही पहुंचे। इस समय झांसी को आप जैसे कर्मठ योद्धा की आवश्यकता है। जो हुक्म होता है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हुकूमत, लेट्स गेट आवर झांसी! हुकूमत, लेट्स गेट इट! टेकिंग ओवर झांसी फोर्ट। धिक्कार है तुम पर, एक गर्भवती स्त्री पर भी दया नहीं आती। आगे तक तो प्यार सा भी है। हाँ बेटे जानते हैं। तो मैं कोई प्यार नहीं छोड़ दूँगा।
तो महारानी साहब ने युद्ध भूमि में बुलाया था ना? नहीं, हर मैजिस्ट्री का लेटर मिलने के बाद उनसे मिलने के लिए जैसे ही झांसी बॉर्डर क्रॉस करने लगा। क्या हुआ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? मुझे किसी ने किडनैप कर लिया और यहाँ बंद कर दिया। इसका अर्थ है कि आपको ये भी पता नहीं होगा कि नेल्सन ने राजमहल पर अधिकार कर लिया। हाँ, और हैमिल्टन भी ब्रिटिश सेना लेकर झांसी पहुंचने ही वाला है। इसका मतलब ये कि मुझे झांसी से बाहर भेजने और मेरे किडनैप के पीछे नेल्सन और हैमिल्टन की ही कंस्पिरेसी थी, ताकि वो झांसी को कैप्चर कर सकें। पता नहीं भैया, महल के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। हम लोग यहाँ अपने युवराज का जन्मदिन मनाने की खातिर कब से आस लगा के बैठे हैं, और महारानी साहबा अभी तो युद्ध भूमि से लौटी नहीं है। हमारे झांसी में फिरंगी सेना घुस आए। Did you see that morning? Nelson!
go, shut gate number 3! Move, move, move! महारानी साहिबा, इन धूर्त फिरंगियों ने हमारे महल के सारे द्वार बंद कर दिए। अब हमें क्या करना होगा? रानी लक्ष्मीबाई, we want to see this. गलती मत कीजिएगा यो मैजेस्टी, कि हमारे पास आपका बेटा ही नहीं, आपके फादर ही हमारे पास है। I'm sorry, Your Excellency. You do realize, don't you? I'm Go Jansi Mehima. You see me through that. Lekin hum Britishers aapke saath pura justice karenge. आपको रॉयल लाइफ जीने के लिए मंथली पेंशन देंगे और रहने के लिए रानी महल। यू सी वी ब्रिटिशर्स रियली आर वेरी जेनरस। अब जानसी हम ब्रिटिशर्स के हैं। नाउ यू कैन ईदर एक्सेप्ट इट पीसफुली Or else you can. चुप दूर फिरंगी चुप। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो तू जैसों के टुकड़ों पर पले। तू हमसे हमारी झांसी छीनेगा। तू, अरे छल कपट से छीन लेने से अधिकार नहीं मिलते, उसे कायरता कहते हैं नलसिंह, कायरता। आज तक किसी माँ ने ऐसे पुत्र को नहीं जन्मा जो जीते जी लक्ष्मी बाई से उससे उसकी झांसी छीन सके। हम वापस आएंगे, झांसी हमारी थी और सदैव हमारी ही रहेगी।